मेरे साथ कुल्लू में प्रियंका गांधी हैं। मैम, चुनाव खत्म होने वाला है लोकसभा का, क्या आप तस्वीर देख रही हैं पूरे देश में, और हिमाचल की जो सरकार है वो भी आगे बाय इलेक्शन पर निर्भर है विधानसभा के, किस तरह की आपको? पूरे देश में बदलाव का माहौल है, जनता ऊब चुकी है भाजपा की राजनीति से, और खास तौर से हिमाचल में जो इन्होंने किया, जो सरकार को गिराने की इनकी कोशिश रही धन बल से, जो जनता ने सरकार चुनी थी उससे इनका बहुत नुकसान हुआ है। जनता को ये पसंद नहीं है। यहाँ पे एक पुरानी सभ्यता है और एक परंपरा है, और यहाँ की राजनीति भी ऐसी ही रही है। मैंने अपने भाषण में भी कहा, यहाँ पे ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं परमार जी जैसे, वीरभद्र सिंह जी जैसे, और सुक्कू जी भी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जनता के बीच ही रहते हैं और सादगी से रहते हैं, और ये यहाँ की सभ्यता है। तो इसको आपने, इस पर इतना बड़ा आक्रमण किया, और वो भी धन बल से, आप चोरों की तरह विधायकों को गाड़ी में बिठाकर बीच रात में हेलीकॉप्टर से इधर उधर ले जा रहे हैं, और सरकार गिरी नहीं क्योंकि हमारे लोग दृढ़ रहे, हमारे लोग मजबूत रहे। लेकिन जनता सारा दृश्य देख रही थी ना, जनता देख रही थी कि किस तरह से आप कर रहे हैं। तो एक तरफ आप कहते हैं कि ईमानदार हैं और कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ही लोकतंत्र का एकदम, लोकतंत्र पर ही आक्रमण कर रहे हैं और पैसों के बल पर आप सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता देख रही है, जनता को ये चीज़ें पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ तो यही है इस चुनाव में कि जनता बार बार कह रही है बेरोजगारी, महंगाई के बारे में बात करिए, हमारे मुख्य जो मुद्दे हैं, जो किसान के जो की जो समस्याएं हैं, जो मजदूरों की हैं, जो मिडिल क्लास की हैं, इसके बारे में बात करिए। और भाजपा का एक भी नेता राजी नहीं है। पूरे प्रचार में आपने देखा है, महीनों के लिए चल रहा है प्रचार, और कभी भैंसों के बारे में बात करेंगे, कभी मंगलसूत्र चुराने के बारे में बात करेंगे, कभी कोई और फिजूल की बात करेंगे, और यहाँ तो हद हो गई है, यहाँ मंडी में किस तरह से बातें हो रही हैं। तो जनता देख रही है और जनता कह रही है कि देखिए, हमें एक ऐसी राजनीति चाहिए जो सच्ची है और जो हमारी समस्याओं के हल के लिए।